हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, सबसे पहले एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। ये न्यूज आ रही है हमारे आशुष की तरफ से। तो यहाँ पर आशुष का एक इवेंट होने वाला है जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है। 17 तारीख को ये इवेंट होगा। टाइमिंग अभी तक नहीं आई है सामने, लेकिन इनविटेशन भेजे जा रहे हैं धीरे धीरे। सभी लोगों को मीडिया इनविटेशन भेज दिए गए हैं। अब टाइमिंग मेरे पास अभी तक नहीं आएगी, लेकिन इवेंट 12:30 बजे के अनुसार होगा जैसा पता चल रहा है। और यहाँ पर इवेंट के अंदर बताया जा रहा है कि आशुष ज़ेनफोन मैक्स M1 का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो लॉन्च किया जाने वाला है। शायद इसका नाम होने वाला है M2। तो यहाँ पर आशुष ज़ेनफोन M2 की कुछ लीक खबर आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इस फोन का नाम आशुष ज़ेनफोन मैक्स M2 नहीं होने वाला। इस फोन का नाम कुछ और होगा, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आई है। बट इतना बताया जा रहा है कि आशुष पहली बार मिड रेंज बजट फोन के अंदर 8GB रैम भी लेके आने वाला है। और 8GB रैम आपको मतलब 15,000 से 18,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। और ये काफी शानदार फोन होने वाला है, क्योंकि ये फोन सीधा सीधा Realme 2 Pro और बाकी फोनों को टक्कर दे रहा है, चाहे Oppo F1 की बात कर ले या Realme 2 Pro की बात कर ले। तो यहां पर काफी ज्यादा कड़ी कंपटीशन दे रहा है आशुष बाकी फोनों को भी। अब देखना ही बनता है ये फोन कैसा रहेगा। और यहाँ पर एक डिस्प्ले नॉच भी देखने को मिलेगा इस फोन में, और ये सभी चीजें इन फोन के अंदर देखने को मिलेगी। देखते हैं कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। आई होप ये फोन अच्छा रहेगा और बाकी फोनों की तरह सिमिलर नहीं होगा, प्रोसेसर भी कुछ अच्छा सा देखने को मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लस में बेल आइकन को भी दबा देना। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तब तक बाय एंड टेक केयर।